हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। और तख्त की खूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि Z5 लेकर आ गया है ताज का नया सीजन, रेन ऑफ रिवेंज। जी हां, आज मेरे साथ मौजूद हैं इस सीरीज के लीडिंग स्टार कास्ट, सो लेट्स वेलकम आसिम गुलाटी एंड सुरोशनी मोइत्रो। ताज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और दिल्ली आए हम लोग, तो ये जो सचमुच का ताज तख्त सब कुछ है, देखने विखने जाने वाले हो आप लोग? यार अगर हमारी टीम हमें वक्त दे और मौका मिले तो क्यों नहीं, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है बिकॉज तख्त की लड़ाई इतनी बड़ी है। अच्छा, ये सीजन 2 तुरंत आ गया, ठीक है, और थैंक यू सो मच, हमें वो जो खुमार हमारे सर पे चढ़ा हुआ था उसे ख़त्म नहीं होने दिया। तो जल्दी जल्दी, मतलब फर्स्ट सीजन के साथ ही सेकंड सीजन की भी शूटिंग वूटिंग आप लोग ने जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा ली या प्रोडक्शन से कुछ था कि स्टेज वगैरह सेट है, फटाफट करते रहो? बताइए। नहीं, आप बताइए, आप पहले से शूट कर रहे हैं, बताइए। नहीं, हमारा एक्चुअली पता चला कि एक एक्ट्रेस है बंगाल से, सुरोशनी मित्रा, जिनको कास्ट करना था, तो उनकी एक्चुअली डेट्स नहीं थी हमारे पास, तो इन्होंने फिर मेकर्स ने बोला कि चलो अभी फर्स्ट सीजन कर रहे हैं, अब साथ साथ ही साथ इनके आने के लिए सेकंड सीजन की भी तैयारी शुरू कर दी, तो जैसे ही आई फिर सेकंड सीजन जल्दी से शूट करके खत्म कर दिया ताकि इनकी डेट्स मिल पाए। तो ऐसा सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था सर। तो फिर असल में कैसा था? असल में था थैंक्स टू Z5 एंड थैंक्स टू आवर प्रोडक्शन। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि हमेशा ऐसा ही देखा जाता है कि जब भी कोई शो आता है सेकेंड सीजन बनने में बहुत वक्त गुजर जाती है, और बाय दैट टाइम ना हम लोगों को फिर से देखना होता है, वो रिविजन करनी बहुत जरूरी होती है कि अरे क्या हुआ था, क्योंकि अभी OTT के लिए हर रोज कोई ना कोई नया कॉन्टेंट आ रहा है। और सीजन 1 3rd मार्च से स्ट्रीम जो मतलब ताज की जो खासियत है वो ये की वो कहानी अभी हमें देखने को मिल रही है जो शायद बहुत कम लोगों को ही पता है और ज्यादातर इतिहास के पन्नों में, लाइक टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी बहुत कमी है। तो क्या सीजन 2 में भी वैसा ही है कि हमें वो पागलपन, रिवेंज, बदले की आग, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल वही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सीजन 1 एक बड़ा ही अलग दुनिया है, इट्स अ डिफरेंट एनिमल इन इटसेल्फ, एंड सीजन 2 इट्स अबाउट सलीम कमिंग बैक एंड सीकिंग रिवेंज एंड व्हाई ही सीकिंग रिवेंज, इट्स बेसिकली अबाउट दैट, दैट्स द फंडामेंटल्स ऑफ इट। And then of course there are very interesting characters being introduced, like ma'am here, Mehrunisa, जो आगे जाके नूर जहाँ बनती है, और सलीम और नूर और मेहरुनिसा का एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड दिखाया इस सीजन में, और इनके एंड जस्ट हाउ व्हाट हैपेंड द aftermath ऑफ सीजन 1 एंड व्हाट हैपेंड एंड द consequences ऑफ व्हाट हैपेंड इन सीजन 1 इज समथिंग दैट यू विल गेट टू सी इन सीजन 2. So it's also darker. Salim's bond with his kids. I played a father for the first time in my life, and that was a very interesting experience. वो भी राजा महाराजा वाले. राजा महाराजा वाले, और ये एक ऐसा इंसान है जो he wanted nothing to do with his kids. He just wanted to take revenge, and then how Mehrunisa comes in his life, and how she pursues him to go ahead and come back to fight and take what's inevitably his. So it's about that. And Suroshini, talking about how you came on board, about the things about your character, Mehrunisa, जो आगे चल के नूर जहाँ बन जाती है, सब कुछ, तो ये सब कैसा हुआ, on board कैसे आए, चीजें कैसी वर्कआउट हुई? ऑडिशन से ऑन बोर्ड आ गए, क्योंकि फर्स्ट 2 टाइम्स व्हेन आई वाज अप्रोच फॉर दिस रोल आई कुडंट सेंड इन माय सेल्फ टेस्ट राइट ऑन एट दैट टाइम, और व्हेन द फाइनल कॉल केम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड आस्क्ड इज लाइक अभी तक मुझे तो लगा था कि आप लोगों की कास्टिंग हो चुकी है इसे और ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जा चुकी है, इसलिए मैं नहीं भेजी हूँ। एंड देन आई रिमेंबर माई प्रोड्यूसर कॉल मी एंड शी इज लाइक नो आई डोंट केयर यू कम डाउन टू बॉम्बे, एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज ऑलरेडी शूटिंग फॉर समथिंग एल्स इन बॉम्बे, एंड या आई जस्ट वेंट ऑन, आई वेंट देयर एंड आई एम सुपर प्रिविलेज्ड दैट माई डायरेक्टर हिमसेल्फ केम डाउन फॉर माई ऑडिशन, एंड
after 2 days I was on board. अच्छा जब आपको पता चला कि नूर मेहरुनिसा का कैरेक्टर जो आगे चल के नूर जहां बनता, और मतलब जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि बुक्स वगैरह में भी उतनी डिटेलिंग में चीजें मेंशनड नहीं है, बस ये है कि कैसे कैसे हुआ, हाउ शी बिकेम और सलीम और उसका जो बॉन्ड था, वो सारी चीजें, बट कितने उसने अपने मोहरों के साथ खेलते खेलते सारी चीजें करते करते वो वहां पे पहुंची, ये सारी चीजें, तो कैसे, क्या आपका रिसर्च गेम क्या था? देखिए आपने जो अभी कहा आई थिंक यू बैंग ऑन, बिकॉज हम लोग जब हिस्ट्री बुक्स देखते हैं या फिर गूगल पे जाते हैं, हम लोगों ने ये नूर जहां बनने के बाद वो क्या क्या किए हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, वो सब हम लोगों को पता चलता है, लेकिन उनकी जो जर्नी है, उनकी खुद की जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता चलता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे जो उनका जर्नी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल 200% हिस्टोरिकली करेक्ट है ये भी हम नहीं कह रहे हैं, बिकॉज व्हेन द शो स्टार्ट्स इट ऑलवेज हैज दैट डिस्क्लेमर दैट पार्ट ऑफ इट इज हिस्ट्री, पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो फिक्शनल, क्रिएटिव लाइब्रेरी, ऑफकोर्स इट्स देयर। एंड फॉर मेहरुनिसा'स कैरेक्टर आई कम्प्लीटली हैड टू ट्रस्ट माई शो रनर विलियम, हु हैज रिटन द स्क्रिप्ट एंड ही हैज रिटन इट सो ब्यूटिफुली, राइट? एंड सिंस दिस कैरेक्टर इज हिज ब्रेन चाइल्ड, उनके दिमाग में मेहरुनिसा को मतलब वो कैसे सोच रहे हैं वो अब्जॉर्ब करना बहुत इम्पोर्टेंट था, और मेहरुनिसा खुद कैसे सोचती है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो एक तरफ से वो तेज है, शातिर है, और बहुत बहुत एम्बिशियस रह चुकी है। अच्छा अभी मैं आपको देख रहा था, जिस तरह से आप एकदम डिस्क्राइब कर रहे हो नूर जहां को, मुझे लग रहा है अभी आप तुरंत खड़े होकर कह दो कि इसका सर कलम कर दो, तौहीन हो गई है वहां पे महल का। अरे आप अपने शो तो देखिए, हां आफत है आफत। सो यू आर गोना बी द मैनिपुलेटिव लेडी जो सबको, कोई भी इंसान एम्बिशियस होता है, स्पेशली अगर औरतें एम्बिशियस होती है तो बहुत इजीली हम उनको मैनिपुलेटिव के लेबल में टर्म कर देते हैं। हाँ जी, क्योंकि जैसे कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, मेहरुनिसा के कैरेक्टर में भी दो पहलू हैं, एक साइड में वो है एम्बिशियस, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, लेकिन दूसरे साइड में वो बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि उनका जो एडमिरेशन और जो प्यार और जो रिस्पेक्ट हमेशा रह चुकी है सलीम के लिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा वो प्योर और प्योर है और बहुत ही ऑनेस्ट है। She is a loving daughter. She was a patron of art and literature, and so progressive. तो देखने का नजरिया है। अगर आप एक नजरिया से देखोगे तो वो लग सकती है manipulative, और दूसरे साइड से देखोगे तो she was just an ambitious woman who was trying to make it on her own. नसरुद्दीन शाह सर के साथ कैसा interaction रहा? आपके तो कई ज़्यादा बहुत सारे scenes रहे हैं उनके साथ पहले सीजन में भी, आपके भी उनके साथ, उनका क्राफ्ट आप कैसे देखते हो, वो सेट पे कैसे होते हैं, हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही थिंक, हाउ ही क्राफ्ट हिज आर्ट, सब कुछ? यार जब वो सेट पे आते हैं तो अकबर ही आते हैं, नसीर साहब तो वो अपने वैनिटी में, मतलब अपने ग्रीन रूम में या रूम में होते हैं, लेकिन उनके साथ बस यही है कि उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उन्हें ऑब्जर्व करना, जिस हिसाब की उनकी वर्क एथिक है अभी भी एक बच्चे की तरह ही है, उनका पैशन अभी भी वैसा ही है जैसा किसी एक यंग एक्टर का हो जो बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही पैशनेट हो अपने काम को लेकर, ही इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट इफ नॉट मोर। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ऑब्जर्व करते करते उनसे कितना कुछ सीखा, फिर उनकी एक छोटे छोटे वो होते थे पर्ल्स ऑफ विजडम देते फेंक देते थे आप पे कि ये आगे इफ यू थिंक दैट दिस इज वर्क फॉर यू देन यू माइट जस्ट ऐड दिस दैट लिटिल बिट ऑफ you know this scene you would be like unko jo flavor hai jo chahiye ye 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 isko usko aise kar de be very good so I'd be like ha ha sir so he is always he's a very giving actor, he's very supportive of his co-actors, there's no hierarchy with them, koi bada chota nahi hai, they're all in the same on the same platform, on the same stage, and he is there to perform, and he understands and respects another person and another artist's space extremely well, and I think that is testament to the fact that he is the way he is, and that's why people love him the way people do, because that's the aura and that's the dignity that he comes with, and you have no option but to you know look him in that light and respect him. It's amazing to see him work. It really is. He's so inspiring. Yeah, he's brilliant. So inspiring, of course.
अच्छा अभी मैं आप जो भी बता रहे थे, मैं आपको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में पॉप अप हुआ है और वो ये कि आई थिंक यू आर वेरी कैंडिड, लाइक जिस तरह से आप बात करते हो, यू एंजॉय द एरिया, अपना अपना जोन सब कुछ। कभी आप ऐसे रात रात में जब भी होता होगा अकेले बैठते होगे, कुछ 2 AM थॉट्स टाइप के आपको आता है कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, वेयर आई केम एंड द जर्नी, द रोलर कोस्टर राइड, चीज़ों को लेके? यार मैं इसको इंटेलेक्चुलाइज कर सकता हूँ, फिलोसफी में घुस के आपको एक इसको बड़ा फिलोसॉफिकल आंसर दे सकता हूँ, बट ऐसा थॉट्स आते हैं मेरे में, बट ऑनेस्टली आई ट्राई नॉट टू थिंक टू मच अबाउट इट, आई नॉट थिंक टू मच ऑफ माई सेल्फ एंड नॉट टेक माई सेल्फ दैट सीरियसली, ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम मी, आई एंड माई सेल्फ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू एंड लुक एट हाउ वट यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, एंड देन जस्ट बी लाइक ओके यू आर डूइंग अ गुड जॉब, वट एवर इट इज दैट यू आर डूइंग, यू ओन इट। आप जो गलतियाँ करते हैं, आप जो अच्छी चीज़ें करते हैं, द पॉइंट इज टू कीप डूइंग एंड कीप डूइंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, and don't put yourself down because of some stupid comment or somebody said something, or you might not look at yourself in the best light certain times because the business is like that. You can get insecure sometimes, you can, you know, there's so many things going on in your head. So it's important to declutter. I aim to do that. Sometimes I fail, sometimes I succeed, but my main focus is on to keep just putting in the good work, to be good at heart, अच्छे इंसान बनना सीखो, अच्छी एक्टिंग अपने आप आ जाएगी। And you made everything worth it. I hope I did and I try to, and that's what I work towards. I really try to just be as as brutally honest, as unapologetically myself. And because the best part about you is you. You know, wow. There is nobody like you. And there will nobody ever will be like you. So it's best to like take yourself and work on yourself and then forget about everything else. And enjoy. And just enjoy it. Just let it go and let it flow. All the very best for your series. Thank you. Thank you so much. Kamal ki series, and thank you so much talking to us. Thank you. Thank you. Thank you for having me.